जब आसमान में उड़ान भरने की बात हो तो महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाने में पीछे नहीं है। भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री में भी महिलाओं की भागीदारी दुनिया के बाकी देशों से कई गुना ज्यादा है। आज भारत के पास सबसे ज्यादा महिला पायलट है, लेकिन एविएशन सेक्टर में इस क्रांति को लाने में कई महिलाओं का योगदान है जो भारत के लिए एक मिसाल है। उन्हीं में से एक है निवेदिता भसीन। बचपन में अक्सर बच्चे आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखते हैं और सोचते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पायलट बनूंगा। ऐसा ही एक सपना देखा था निवेदिता भसीन ने। कड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए बिना हार माने निवेदिता ने अपने पायलट बनने के सपने को पूरा किया और आज निवेदिता भसीन भारत ही नहीं दुनिया में सबसे कम उम्र में कमर्शियल जेट विमान उड़ाने वाली महिला पायलट है। आइए आज बात करते हैं कैसे निवेदिता ने अपने सफर की शुरुआत की और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंची। 1963 में जन्मी निवेदिता भसीन के लिए पायलट बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन अपने जुनून के बल पर 16 साल की उम्र में ही दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब में शामिल हो गई और बाद में पटना में एक फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया। एक पुरुष प्रधान पेशे में अपनी जगह बनाना निवेदिता के लिए कांटों भरा था। बिना हार माने निवेदिता ने कड़ी मेहनत की और अपने सपने को पूरा किया। 20 साल की उम्र में इंडियन एयरलाइंस में पायलट के तौर पर नौकरी शुरू कर दी। सामाजिक रीतियों के मुताबिक निवेदिता भी शादी कर चुकी थी और बच्चे की माँ बन चुकी थी, लेकिन निवेदिता ने अपने पैशन को कभी भी पीछे छूटने नहीं दिया। अपना पायलट बनने का सपना तो पूरा ही किया, साथ ही इस सफर में कई उपलब्धियां भी हासिल की है। 1984 में निवेदिता भसीन भारत की तीसरी महिला पायलट बनी। 1985 में 22,000 घंटे की उड़ान के साथ दुनिया की पहली महिला चालक दल वाले विमान को पायलट करने की उपलब्धि भी हासिल की है। 1989 में 26 साल की उम्र में कमर्शियल जेट विमान की कमान संभाली और विश्व नागरिक उड्डयन के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई। साल 2011 में युद्ध के दौरान लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन में भी भाग लिया। एयर इंडिया के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में सर्विस करने वाली निवेदिता भसीन पहली महिला पायलट रही हैं। लाखों भारतीय महिलाओं के साथ निवेदिता अपनी बेटी के लिए भी इंस्पिरेशन है। आज उनकी बेटी भी एक पायलट है। निवेदिता भसीन के साथ उनकी बेटी निहारिका भी आज आसमान की ऊंची उड़ान भर रही है। एक इंटरव्यू में निवेदिता कहती है कि जहां भारत में केवल 3 महिला पायलट थी, आज भारत में महिला एयरलाइन पायलटों का प्रतिशत दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक अजय दृढ़ संकल्प हर सपने को पूरा कर सकता है। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, यू कैन अचीव एनीथिंग। आपको निवेदिता भसीन का यह सफर कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।